हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। और फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 648। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस तरीके से आएगा। हम 648 को इस तरीके से शो करेंगे, यानी कि 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 4। और इन दोनों साइड्स का एक ही मतलब है, जब आप इस साइड को सॉल्व करेंगे तो आपको 648 ही मिलेगा। कैसे? 2 raised to the power 3 का मतलब होता है के 2 के साथ 3 बार मल्टीप्लाई होगा। और उसके बाद 3 raised to the power 4 है, इसका ये मतलब है कि 3 के साथ ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 2 को 2 से ही 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 8। 2 2 जा 4 4 2 जा 8। और 3 को अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। और जब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस 648 ही मिल जाएगा। हम यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझा रहे हैं कि 648 को हमें इस तरीके से शो करना है। तो सबसे पहले हम 648 के प्राइम फैक्टर्स पता करेंगे। 648 2 से डिवाइड होता है और 2 एक प्राइम नंबर है, तो हम 648 को 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 2 3 जा 6, इसके बाद क्या बचा 4, 2 2 जा 4, इसके बाद क्या बचा 8, 2 4 जा 8। अब यहाँ पर हमें मिल गया है 324, 324 भी 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1 बचा, 1 and 2 12, 2 6 जा 12, इसके बाद क्या बचा 4, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर हम सिंपल डिवीजन कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें क्या मिला, 162 भी 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 2 8 जा 16, ये तो कट गया, क्या बचा 2 2 1 जा 2। अब यहाँ पर बचा 81 3 से डिवाइड होता है और 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया 2 बचा, 2 and 1 21, 3 7 जा 21, तो यहाँ पर बचा 27 भी 3 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 3 9 जा 27, यहाँ पर बचा 9 भी 3 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 3 3 जा 9, यहाँ पर बचा 3 3 3 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 3 1 जा 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सभी 648 के फैक्टर्स हैं, यानी कि अगर आप इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको वापस 648 ही मिल जाएगा। तो 648 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 648 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 3 टाइम्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 2 को 2 के साथ ही 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा, 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 टाइम्स, तो यहाँ पर हम 3 को 3 के साथ ही 4 बार यानी कि 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये सभी 648 के प्राइम फैक्टर्स हैं। अगर हम इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वापस 648 ही मिल जाएगा। अब 2 यहाँ पर कितनी बार आया, 1 time 2 time 3 times, तो हम 2 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 raised to the power 3, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा, 3 कितनी बार आया, 4 टाइम्स, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3 raised to the power 4। और क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया था कि हमें 648 को
प्राइम फैक्टर्स की पावर के साथ इन्हें मल्टीप्लाई करते हुए यानी प्रोडक्ट के साथ शो करना है, तो वो हमने करके दिखा दिया है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 405, तो पहले हम 405 के प्राइम फैक्टर्स पता करेंगे। 405 3 से डिवाइड होता है जो एक प्राइम नंबर है, तो यहां पर हम लिखेंगे 3, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1 बचा, 1 एंड 0 10, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1 बचा, 1 एंड 5 15, 3 5 जा 15, तो यहां पर हमें मिल गया है 135। 135 भी 3 से डिवाइड होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 3, 3 4 जा 12, 13 में से 12 गया 1 बचा, 1 एंड 5 15, 3 5 जा 15, यहां पर हमें मिल गया है 45। 45 भी 3 से डिवाइड होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 3, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1 बचा, 1 एंड 5 15, 3 5 जा 15, यहां पर हमें मिला 15। 15 भी 3 से डिवाइड होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 3, 3 5 जा 15, यहां पर हमें मिल गया है 5। 5 5 से डिवाइड होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 5, 5 1 जा 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, 405 के ये सभी प्राइम फैक्टर्स हमें मिल गए हैं। प्राइम फैक्टर्स का ये मतलब है कि अगर हम इन सभी प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें वापस 405 ही मिल जाएगा। तो 405 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 405 इज इक्वल टू, 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 टाइम्स, तो 3 को 3 के साथ ही हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 5 एक बार आया है तो 5 एक बार मल्टीप्लाई होगा, और अगर हम इन सभी प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें वापस 405 ही मिल जाता है। अब 3 यहां पर 4 टाइम्स आया, यानी कि 3 3 के साथ ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 रेस टू द पावर 4। अब 5 यहां पर एक ही बार है, तो यहां पर हम मल्टीप्लाई बाय 5 लिखेंगे, 5 का मतलब होता है 5 की पावर 1, और यही हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 540, यहां पर हम 540 के प्राइम फैक्टर्स पता करेंगे। 540 2 से डिवाइड होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 2, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1 बचा, 1 एंड 4 14, 2 7 जा 14, ये 0 बचा, ये 0 यहां पर आ जाएगा, तो हमें मिल गया है 270। 270 भी 2 से डिवाइड होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 2, 2 1 जा 2, इसके बाद 7 है, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया 1 बचा, 1 एंड 0 10, 2 5 जा 10, अब यहां पर हमें मिल गया है 135। 135 3 से डिवाइड होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 3, 3 4 जा 12, 13 में से 12 गया 1 बचा, 1 एंड 5 15, 3 5 जा 15, अब यहां पर हमें मिल गया है 45। 45 भी 3 से डिवाइड होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 3, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1 बचा, 1 एंड 5 15, 3 5 जा 15, अब यहां पर बचा 15। 15 भी 3 से डिवाइड होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 3, 3 5 जा 15, यहां पर हमें मिल गया है 5। 5 5 से डिवाइड होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 5, 5 1 जा 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सभी 540 के प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी कि अगर हम इन सभी प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें वापस 540 ही मिल जाएगा। तो 540 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 540 इज इक्वल टू, 2 यहां पर दो बार आया है तो 2 को हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे,
थ्री यहां पर तीन बार आया है तो थ्री यहां पर तीन बार मल्टीप्लाई होगा। फाइव एक बार आया है तो फाइव यहां पर एक बार मल्टीप्लाई होगा। और अगर आप इन सभी प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वापस 540 ही मिल जाता है। अब टू यहां पर दो बार आया है तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, टू रेस टू दी पावर टू मल्टीप्लाई बाय थ्री। यहां पर तीन बार आया है तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, थ्री रेस टू दी पावर थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव। यहां पर सिंगल है तो फाइव यहां पर सिंगल आएगा। तो 540 को हमने इस तरह से लिख दिया है, टू रेस टू दी पावर टू मल्टीप्लाई बाय थ्री रेस टू दी पावर थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 3600, तो यहां पर हम 3600 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 3600 टू की टेबल में आता है यानी कि टू से डिवाइड होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे टू, टू वन जा टू, थ्री में से टू गया वन बचा, वन एंड सिक्स 16, टू एट जा 16, ये दो जीरो बचे, ये दो जीरो यहां पर आ जाएंगे। यहां पर हमें मिल गया है 1800, 1800 भी टू से डिवाइड होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे टू, टू नाइन जा 18, यहां पर ये दो जीरो बचे, ये दो जीरो यहां पर आ जाएंगे। यहां पर हमें मिल गया है 900, 900 भी टू से डिवाइड होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे टू, टू फोर जा 8, नाइन में से 8 गया वन बचा, वन एंड जीरो 10, टू फाइव जा 10, ये जीरो बचा, ये जीरो यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर हमें मिल गया है 450, 450 भी टू से डिवाइड होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे टू, टू टू जा फोर, यहां पर बचा फाइव, टू टू जा फोर, फाइव में से फोर गया वन बचा, वन एंड जीरो 10, टू फाइव जा 10। अब यहां पर हमें मिल गया है 225, 225 थ्री से डिवाइड होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे थ्री, थ्री सेवन जा 21, 22 में से 21 गया वन बचा, वन एंड फाइव 15, थ्री फाइव जा 15, यहां पर हमें मिल गया है 75, 75 भी थ्री से डिवाइड होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे थ्री, थ्री टू जा सिक्स, सेवन में से सिक्स गया वन बचा, वन एंड फाइव 15, थ्री फाइव जा 15, यहां पर हमें मिल गया है 25, 25 फाइव से डिवाइड होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे फाइव, फाइव फाइव जा 25, यहां पर हमें मिल गया है फाइव, फाइव फाइव से डिवाइड होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे फाइव, फाइव वन जा फाइव। अब देखिए स्टूडेंट्स, 3600 के ये सभी प्राइम फैक्टर्स हमें मिल गए हैं, और अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमें वापस 3600 ही मिल जाता है। तो 3600 को हम इस तरह से लिखेंगे, 3600 इज इक्वल टू, टू यहां पर कितनी बार आया, वन टू थ्री फोर, तो टू को यहां पर हम चार बार मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद थ्री कितनी बार आया, टू टाइम्स, तो थ्री यहां पर टू टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। फाइव कितनी बार आया, टू टाइम्स, फाइव भी यहां पर टू टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अब टू यहां पर फोर टाइम्स आया है तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, टू रेस टू दी पावर फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री। यहां पर टू टाइम्स आया है तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, थ्री रेस टू दी पावर टू मल्टीप्लाई बाय फाइव। यहां पर दो बार आया है तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, फाइव रेस टू दी पावर टू। तो 3600 को ही हमने इस तरह से शो कर दिया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।